अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से सिंगापुरियन राइस। इसमें छोटे छोटे से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहले आपको राइस प्रिपेयर करने होते हैं, नूडल्स प्रिपेयर करने होते हैं, सॉस प्रिपेयर करनी होती है, गार्निश और तड़का। ईजी से स्टेप हैं, तो चले स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक पैन में लिया है ऑयल, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून गार्लिक। जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा, गार्लिक जो है वो हमेशा मैं क्यूब्स बनाकर पेस्ट कर लेती हूँ, पेस्ट को क्यूब्स में फ्रीज कर लेती हूँ। तो ये 1 क्यूब मेरी 1 टेबलस्पून के इक्वल है। जब हमारा गार्लिक जो है वो थोड़ा सा सॉटे हो जाएगा, गार्लिक का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। 500 ग्राम्स मैंने बोनलेस चिकन लिया है और उसको मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया है। चिकन को हम पकाएंगे जब तक कि चिकन अपना कलर चेंज कर ले और इसका पानी ड्राई हो जाए। साथ ही यहाँ पर मैंने अपने जो नूडल्स प्रिपेयर करनी है उनके लिए पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा सॉस रेडी होगा हमारे नूडल्स भी बॉईल हो जाएंगे। तो ये पानी में मैंने डाला है 1 टीस्पून सॉल्ट, 300 ग्राम्स तो ये 300 ग्राम्स मैंने स्पेगेटी नूडल्स ले ली हैं। इनको डाल के मैं अच्छी तरह से बॉईल कर लूँगी। चले वापस आ जाते हैं अपनी चिकन की तरफ, अपनी सॉस कंप्लीट करते हैं। चिकन जो है उसका पानी ड्राई हो गया है, अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मसालों को पका लेंगे चिकन के साथ। ड्राई मसालों में चिकन को भून लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून वाइट विनेगर, 1 टीस्पून मैंने इसमें ली है हॉट सॉस, 1 टीस्पून मैंने इसमें ली है सोया सॉस। चिकन के साथ सॉसेस को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप केचप। इस स्टेज तक चिकन हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है, क्योंकि हमने छोटी छोटी सी क्यूब्स यूज़ की थी तो चिकन को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और 3 टेबल स्पून मैंने अब इसमें डाल दी है चिली गार्लिक सॉस। अब मैं इसमें 1/4 कप पानी डालकर थोड़ा सा जो है वो सॉस की ग्रेवी बना लूँगी। मीनवाइल हम अपनी नूडल्स को भी देखते जाते हैं। नूडल्स को हमने जो है ना वो फुल डन नहीं करना, बस हमने इस स्टेज तक डन करना है कि ये नूडल्स आराम से जो है वो ब्रेक हो जाएं। क्योंकि अभी हमने नूडल्स को दोबारा भी हीट देनी है। अगर आप नूडल्स को इस स्टेज पर फुल डन कर लेंगे तो फिर आपकी नूडल्स बहुत मशीसी हो जाएंगी और आपस में स्टिक हो जाएंगी। ये देखिए हमारी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो गई है। अब हमारी चिकन की सॉस रेडी है, इसको हम साइड पे कर देंगे और अब हम प्रिपेयर करेंगे अपनी नूडल्स। नूडल्स को मैंने स्ट्रेन कर लिया था और उनको मैंने ठंडे पानी के साथ वॉश कर लिया था। अब मैं नूडल्स प्रिपेयर कर रही हूँ तो मैं अपने 3rd स्टेप यानी कि राइस को प्रिपेयर करने की तरफ भी साथ साथ ही चली जाऊँगी, ताकि जितनी देर में हमारी नूडल्स प्रिपेयर हों हमारे राइस भी डन हो जाए। तो राइस को बॉईल करने के लिए भी मैंने पानी रख दिया है। अब नूडल्स प्रिपेयर करने के लिए हम एक पैन में लेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो मिंस्ड गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इस रेसिपी के लिए पेस्ट ही यूज़ करें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ स्लाइस्ड अनियंस। एक्चुअली इस रेसिपी में जो है वो अगर आप ग्रीन अनियंस यूज़ करेंगे वो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन मैंने बस यहाँ पर रेड अनियंस यूज़ कर लिए हैं। बेसिकली आपको एक क्रंच चाहिए जो कि आप किसी भी टाइप के अनियन से ले सकते हैं।
इन अनियंस को बस हम हल्का सा सॉटे करेंगे जब तक कि इनका कलर चेंज हो जाए। इसके बाद हम अपनी बाकी की वेजिटेबल्स डालेंगे। मैंने यहाँ पर ली हैं कैप्सिकम और कैरेट, तकरीबन 2 कैरेट्स और 2 कैप्सिकम्स ली हैं मैंने, और उनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। वेजिटेबल्स को हम पकाएंगे नहीं, बस हल्का सा सॉटे करेंगे कि इनका क्रंच भी रह जाए और हल्की सी ये सॉफ्ट भी हो जाए। बस अब हम ऐड कर देंगे अपनी प्रिपेयर्ड नूडल्स। ये देखें, क्योंकि हम नूडल्स को सेकेंड टाइम पका रहे हैं तो इसलिए जो है ना, इनको हमने फुल डन नहीं किया था। अभी नूडल्स में मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस, 1 टीस्पून वाइट विनेगर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इस स्टेज पर आप टेस्ट करके अपने जो पेपर है और सॉल्ट है उसका आप ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा सॉल्टी चाहिए तो आप ज़्यादा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। और बस अब हम नूडल्स को अच्छी तरह से टॉस कर लेंगे और साइड पर रख देंगे। नूडल्स हमारी प्रिपेयर हैं। राइस का पानी बॉयल हो चुका है, अब मैं इसमें पहले से भीगे हुए राइस ऐड करूँगी। मैंने तकरीबन आधा घंटा राइस को भिगो दिया था, तो 2 कप्स मैं इसमें ले रही हूँ राइस। नूडल्स की नस्बत राइस को हम फुल डन करेंगे, क्योंकि हमने राइस को सेकेंड टाइम नहीं पकाना है। अगर तो आप राइस को दम दें तो आप जैसे नॉर्मली अपने बॉईल करते हुए चावलों में आप थोड़ा सा एक कच्चापन रख देते हैं और दम में पूरा करते हैं, आप वैसे कर लें। अगर आपने इसको दम नहीं देना तो ये देखें, मैंने इसको फुल डन किया है राइस को, और बस अब मैं राइस को स्ट्रेन कर लूँगी। अब प्रिपेयर करते हैं गार्निश सॉस। गार्निश सॉस के लिए मैंने ली है 1 कप मायोनीज़, इसमें मैं डालूंगी 4 टेबलस्पून केचप, और बस दोनों को आपस में मिक्स कर लूंगी। अब ये प्रिपेयर्ड सॉस को मैं इस पाइपिंग बैग में डाल रही हूँ। अगर आपके पास केचप बॉटल है आप उसके अंदर भी डालकर यूज़ कर सकते हैं। ये डालने के बाद अब हम करेंगे अपने इस डिश की असेंबलिंग। सबसे पहले मैं इसमें नीचे लगाऊंगी राइस की लेयर। तो ये मैंने जो बॉयल्ड राइस थी उसकी लेयर लगा दी है, इसके ऊपर लगेगी हमारी जो नूडल्स की लेयर थी। अभी हमने नूडल्स प्रिपेयर की थी उसकी लेयर मैंने राइस के ऊपर लगा दी है, और सबसे इसके बाद इस पे लगेगी जो हमने ग्रेवी प्रिपेयर की थी, ग्रेवी सॉस, वो डालेंगे हम इसके ऊपर, अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। ये मैंने ग्रेवी भी ऊपर सारी स्प्रेड कर दी है, और अब हम इसके ऊपर डालेंगे जो हम लोगों ने गार्निश सॉस प्रिपेयर की थी केचप और मायोनीज से। बहुत इजी रेसिपी है, और अगर आप डिनर वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये सॉस जो है वो पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं, और डिनर के टाइम पे झटपट इसकी असेंबलिंग कर अपने गेस्ट को हैरान कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ऊपर बारबेक्यू सॉस डाली है। लास्ट स्टेप है इसका तड़का। तड़के के लिए मैंने गार्लिक को इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है, और ये मैंने ली हैं हरी मिर्चें, ग्रीन चिलीज, उनको भी इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है। अब मैं इनका तड़का प्रिपेयर करूँगी, और ये जो फ्लेवर्ड ऑयल है ये हम डालेंगे अपने राइस के ऊपर। बहुत मज़ेदार सा ये चिली गार्लिक ऑयल बन जाता है। बस ये मैंने अपने राइस के ऊपर डालकर इनको गार्निश कर लिया है, और हमारे मज़ेदार से सिंगापुरियन राइस तैयार हैं। इन्जॉय कीजिए, डिनर्स के लिए बनाइए, अपने गेस्ट के सर्व कीजिए, अपने घर वालों को सर्व कीजिए, और इन्जॉय करें। अल्लाह हाफिज़।